Why Kannada people didn't like Shruti Hassan entry in Salaar movie? जी हाँ दोस्तों, श्रुति हसन का आज बर्थडे है और इस मौके पर सलार मूवी ने एक अनाउंसमेंट की, यानी कि मेकर्स ने, और साफ कहा कि श्रुति हसन प्रभास के साथ नजर आने वाली है सलार नाम की फिल्म में, जिसे प्रशांत नीर डायरेक्ट करने वाले हैं। लेकिन कनाडा के लोगों को श्रुति हसन आखिर क्यों पसंद नहीं है, ये सवाल आपके मन में ज्यादा हुआ होगा, यानी कि मेरे मन में भी काफी ज्यादा था कि आखिर क्यों श्रुति हसन का नाम सुनते ही कनाडा के काफी हद तक लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए श्रुति हसन को लेकर। तो थोड़ा सा मैंने चीजें खंगाली और मुझे ये पता चला कि 2017 में श्रुति हसन ने अक्टूबर महीने में एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में साफ कहा था कि वो कोई कनाडा फिल्म नहीं करने वाली है और आने वाले कई सालों तक वो कोई कनाडा प्रोजेक्ट नहीं उठाने वाली है। और उस वक्त शायद कोई रूमर आया था कि वो कोई कनाडा फिल्म कर रही है 2017 में, से साफ मना किया था श्रुति हसन ने, मना किया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी फैंस को। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं कोई कनाडा फिल्म नहीं करने वाली हूँ, नहीं कर रही हूँ और ना ही करने वाली हूँ इन नियर फ्यूचर, ये उन्होंने लिखा था, जिस वजह से जो फैंस थे वो बहुत ही आहत हुए थे। तो जैसे ही ये फिल्म अनाउंस हुई, आई मीन सलार में उनका अनाउंसमेंट हुआ कि आज श्रुति हसन भी रहने वाली सलार मूवी में, वैसे ही जो कन्नड़ीगर्स है वो बहुत ही गुस्से में आ गए, टेंशन में आ गए कि भैया ये क्यों कर रहे हैं, मतलब श्रुति हसन क्यों आ रही है, जो एक वक्त में कन्नड़ा इंडस्ट्री को इस तरह से डाउनग्रेड करने की बात कर रही थी, जिंदगी में फ्यूचर में कभी काम नहीं करेगी कन्नड़ा इंडस्ट्री में, वो क्यों इस फिल्म में उसे लिया गया। इस वजह से काफी हद तक लोग निराश है, अपसेट है। तो कई लोगों ने क्या किया, श्रुति हसन के उस पुराने ट्वीट पर अभी जाके ट्वीट कर रहे हैं कि भैया आपको शर्म आनी चाहिए, आपने कहा था कि आप फिल्म नहीं कर रही हो और आप तो ये फिल्म कर रही हो कनाडा इंडस्ट्री की। कनाडा इंडस्ट्री की फिल्म सलार इसलिए भी है क्योंकि इसके डायरेक्टर प्रशांत नील कनाडा के है, इसका जो पूरा टेक्निकल टीम है वो कर्नाटका का है, प्रोड्यूसर्स भी हम्बाले जो है वो भी कर्नाटका का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर्स की फिल्म है। तो कुल मिला के बहुत वो सब चीजें अलग बात है, इट डजंट मैटर, बट यहां पर बात यह है कि पीपल आर अपसेट ऑफ श्रुति हसन्स एंट्री इन सलार मूवी, स्पेशली उन्होंने जिस तरह से बात कही थी कि शी डजंट वॉन्ट टू वर्क इन कनाडा फिल्म इंडस्ट्री, तो ये एक तरह का डिसरिस्पेक्ट हुआ। और किस्मत का खेल तो देखो जनाब, 2017 में उन्होंने कहा था और 4 साल के अंदर श्रुति हसन एक ऐसी फिल्म में काम कर रही है जिसके पूरे बैकेंड तक सब कोई कर्नाटका के ही है, एंड दिस इज वॉट आई से कर्मा बाइट्स, एंड व्हेन कर्मा बाइट्स यू कांट इवन सेव योरसेल्फ। तो सीधी सी बात है, श्रुति हसन नीडेड टू गिव ए अपोलॉजी और ये जरूर कहना चाहिए उन्हें कि यस माफ कीजिए मुझे जो मैंने उस वक्त ये ट्वीट किया था। एटलीस्ट ये बताता है कि 2017 में कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री को किस तरह से लोग देखते थे, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड सपोर्टिंग केजीएफ इन 2018 लोगों ने मुझे बहुत कुछ, बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी, बहुत कुछ बोला था कि आप इस फिल्म इंडस्ट्री को क्यों सपोर्ट करते हैं, इसमें क्या है, कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मैं बोला कि फिल्म इंडस्ट्री क्या है, क्या है कौन जानता है, फिल्म कैसी है केजीएफ उसे देखो ना, फिल्म अच्छी होगी तो भाई अच्छी होगी, और ये इंडिया में ही बन रही फिल्म है, सब इंडिया की फिल्म है, तो इसमें क्या अच्छा क्या बुरा, कौन से स्टेट की फिल्म के हिसाब से मैं खुद को नापने लग जाऊं, ये अलग तमिल है, तो फिर मतलब नहीं है। फिल्मों का जो प्यार है वो कैसे हम बांट सकेंगे जब हम फिल्मों को कैटेगराइज ही कर देंगे। तो श्रुति हसन बर्थडे इज दैट टूडे, इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट यस कनाडा का पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन, बट यस हम्बाले फिल्म्स ने ट्वीट करके उन्हें गले से लगा लिया श्रुति हसन को कि भाई आप इस फिल्म का हिस्सा हो, सभी ने गले से लगा लिया है। प्रशांत नील ने भी ट्वीट किया है कि भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है सलार मूवी में, ऐसा श्रुति हसन के लिए कहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा ऑल कनाडिगाज आउट देयर, जस्ट बड़ा दिल करके छोड़ दीजिए उन्हें, उनके है ना चीजों का एहसास हो चुका है, और वैसे भी घूम फिर के तो आखिर उन्होंने सलार मूवी साइन ही कर ली, जिसका मतलब साफ है कि वो अपनी बात पे खुद कायम नहीं। सो जस्ट लीव इट, आई थिंक मेरे हिसाब से वही सही रहेगा, एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर सलार मूवी एंड श्रुति हसन ऑन ए वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन टुडे, जो आज उनका बर्थडे है। एक्चुअली वेलकम नाइट।